पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा दो बहस हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष अरविंद केजरीवाल का पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। वो पक्ष है कि मुझे 20-22 सालों से डायबिटीज है, मैं 12 साल से इंसुलिन पे हूं, मैं 50 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं, इंसुलिन पे जाने वाले मरीज की शुगर बढ़े तो इंसुलिन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बार बार कहा कि मुझे शुगर के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा कि आप डॉक्टर नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राइवेट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यानी कि मोबाइल फोन से उससे परामर्श करना चाहता हूं। ये एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं ऐसे कैसे करने देंगे। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और तिहाड़ जेल का है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं हमारे पास जब डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत इन्हें है ही नहीं, जब जरूरत होगी हम इन्हें इंसुलिन दे देंगे, अभी इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये दो पक्ष हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है, ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। कल की रिपोर्ट भी मैंने देखी, दिल्ली में, देश में हर परिवार में मैं मानता हूं कि एक बुजुर्ग होगा जिसको डायबिटीज होगी, सीवियर डायबिटीज होगी, और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं आप बताइए? आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है, फिर
फिर आप नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी, और दो घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके दो घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। यह हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके दो घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो दो घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का, जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम, उसमें शुगर खाने के दो घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोस लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ उसको, ग्लूकोस पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है, जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। तो जब आप रैंडम शुगर की बात आपका अफसर, आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई है, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज है, उसके अंदर पूरी 20 दिन की रिकॉर्डिंग दर्ज है, एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें, हर घंटे की रिकॉर्डिंग है उसमें। उसमें जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, ताकि उनकी बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जाए। सवाल यह आता है, भाजपा शासित केंद्र सरकार उनकी बढ़ी हुई शुगर को क्यों छिपाना चाहती है? इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे, उनको इंसुलिन दिया ना जाए, तर्क और कुतर्कों से टीवी में माहौल बना के रखा जाए, और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी किडनी फेल हो गई और वो गुजर गए, बहुत लोग मिलेंगे जिनके लिवर फेल हो गए और वो मर गए, और उनके बारे में आप पता करेंगे तो डॉक्टर बता देंगे इनकी शुगर बहुत हाई थी, इन्होंने हाई शुगर को ट्रीट नहीं किया, या तो पैसे की वजह से ट्रीट नहीं किया, या नेग्लिजेंस की वजह से ट्रीट नहीं किया, और इसकी वजह से इनके किडनी डैमेज हो गए, इनका लिवर डैमेज हो गया, इनका हार्ट डैमेज हो गया, इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये बड़ी आम चीज है, ये कोई मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बता रहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होती है, ये बेहद आम चीज है। डायबिटीज बढ़ी रहेगी तो इसके ये साधारण तौर पे इसके इफेक्ट होंगे, और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल के डॉक्टर का दरवाजा हो, वहां के डीजी का दरवाजा हो, केंद्र सरकार का दरवाजा हो, या वो कोर्ट का दरवाजा हो, हर दरवाजा खटखटा रहे कि साहब मुझे दवा दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।